राजस्थान में लड़कियों की संख्या में कमी होने के कारण लड़कों को शादी के लिए लड़कियां मिलनी मुश्किल हो गई हैं। हैरत की बात यह है कि महेश्वरी, बनिया, जैन और ब्राह्मण समुदाय के लोग शादी के लिए बाहर जा रहे हैं या बाहर से लड़कियों को लेकर आ रहे हैं। ये शादियां ज्यादातर दलाल फिक्स कर रहे हैं। ये लोग ऐसे लोगों पर नजर रखते हैं जिन्हें शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल पा रही। ये लोग लड़के वालों को एक दुल्हन दिलाने के लिए 50,000 रुपए की मांग रखते हैं। एक दुल्हन दिलाने के लिए दलाल 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक की राशि लेते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर इन दलालों का कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर लड़का और लड़की के परिवार को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो। वहीं बनिया समुदाय के नामी चंद ने खुलासा करते हुए बताया कि दुल्हन के लिए उन्होंने 1,00,000 रुपए दिए थे क्योंकि अपने समुदाय में उन्हें दुल्हन नहीं मिल पा रही थी। वह बूंदी में एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी करते हैं। इस कारण उन्होंने 2 साल पहले झारखंड से एक लड़की खरीदी। आज यह दंपत्ति अच्छी शादीशुदा जिंदगी जी रहा है और उनका 1 साल का बच्चा भी है।